अब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। नाउन के चैप्टर में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इंक्लूड है सिलेबस में वो है एक्सरसाइज ए। और एक्सरसाइज ए में क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप अंडरलाइन करें नाउन को, सेंटेंस दिए गए हैं, हर सेंटेंस में से अब आपने फाइंड आउट करने हैं नाउन नाउन कौन 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 से हैं। ठीक है, तो ये अब आप कैसे करेंगे, पहले तो ये आप उतारेंगे और फिर फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे अंडरलाइन कर नीचे वो वर्ड फिर आंसर के तौर पर आप लिखेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करना, आप कॉपी में लिखने के सेंटेंस लिखने के बाद नीचे वो वर्ड लिखेंगे कि कौन सा नाउन है। अब यहाँ पर अनीता ड्रू सम फनी कार्टून्स इन हर पेंटिंग क्लास। अनीता नेम आ रहा है, एक ये नाउन हो गया आपका, कार्टून्स नाउन है, फिर आपका आ रहा है क्लास नेम है, ये आपके हो गए नाउन। नेक्स्ट मैं आपको ये सारे नहीं बताऊंगी, मैं आपको ओनली 5 करके बताऊंगी और 5 अब आप लोग खुद करेंगे। ओके, सेकंड में बास्केटबॉल एंड क्रिकेट आर रेहान्स फेवरेट गेम। बास्केटबॉल नेम है, क्रिकेट नेम है, रेहान्स नेम है और गेम्स ये क्या हो गए, नाउन हो गए आपके। माय फ्रेंड कीप हिज टू डॉग्स इन अ केनल। अब थर्ड वाले में फ्रेंड डॉग और केनल। फोर्थ में सलमान लीव्स इन जोहब विद हिज मदर फादर एंड सिस्टर। अब सलमान क्या है, नाउन है। सलमान के बाद जॉब, देन मदर, फादर एंड सिस्टर, ये क्या है आपके नाउन है। 5 में बोल रहे हैं द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू लीव देयर नोटबुक्स इन अ पाइल ऑन हर टेबल। तो टीचर आपका नाउन हो गया, स्टूडेंट आपका नाउन हो गया, नोटबुक आपका नाउन हो गया, पाइल आपका नाउन हो गया और टेबल नाउन हो गया। ये मैंने आपको 5 एक्सरसाइज 5 सेंटेंस बता दिए हैं और 5 अब आप लोग खुद सर्च करेंगे। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो है एक्सरसाइज बी जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पिक आउट द नाउन यहाँ इन द सेंटेंस बिलो एंड से व्हाट काइंड दे आर। एक तो अब इस सेंटेंस में हमने पहले तो नाउन फाइंड आउट करने हैं और फिर हमें उनकी काइंड बतानी है। जो काइंड मैंने आपको एक्सप्लेन की थी यहाँ, यहाँ पर आपको वो पहले तो सिर्फ नाउन फाइंड आउट कर उसके आगे लिखना है कि वो कौन सी काइंड है नाउन की। ओके, इसमें भी मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगी, 5 एक्सप्लेन करूंगी, 6 से लेकर 10 तक आप खुद फाइंड आउट करेंगे और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब सबसे पहले बोल रहे हैं द शिप अलोंग विद हिज क्रू हैज़ बीन सेव्ड। अब द शिप, शिप कहते हैं भेड़ को, अलोंग विद हिज क्रू अपने झुंड के साथ है, जाहिर सी बात है झुंड की बात हो रही है। Has been saved, क्या है वो, saved है, उनके साथ saved है। Ship क्या है, ship आपका noun हो गया। अब ये कौन सा noun है, जाहिर मैंने आपको concrete noun का बताया था जिनको हम देख सकते हैं, touch कर सकते हैं और feel। Ship को आप देख सकते हैं, touch कर सकते हैं और feel कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका concrete noun। मैं सिर्फ concrete ऊपर लिख देती हूँ, सही है। अब नेक्स्ट है क्रू, झुंड। अब ये कौन सा नाउन है, जाहिर सी बात है ग्रुप की बात हो रही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ग्रुप की, यही रही कलेक्टिव एग्जांपल जिसमें ग्रुप की बात की गई हो, झुंड ग्रुप को कहते हैं। तो ये कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अच्छा, आप कॉपी में ये वर्ड उतारेंगे और उसके आगे लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स। ओके, अब
हाइट, हाइट क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस तरह से मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं